नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर यूपी तक न्यूज नेटवर्क, हर पल आपके साथ, और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। तिहानी हरदोई नगर के शीतला देवी मंदिर पर भाटनटोला पूर्वी के सभासद प्रतिनिधि सेठ अरुण गुप्ता ने नगर के सभी सामान्य सभासदों के साथ बैठक की। आगे की बनाई रणनीति बैठक में विकास कार्यों की मांग को लेकर सभासदों ने पालिका अध्यक्ष के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा कि साल में एक ही बार हुई बोर्ड की बैठक, उसके बाद ना कोई बोर्ड बैठक ना ही विकास कार्य पर चर्चा की गई। सेठ अरुण ने बताया कि हम सभी सभासद जल्द ही जिलाधिकारी से मिलकर बोर्ड बैठक व विकास कार्य कराने को लेकर ज्ञापन देंगे। वही चर्चा में कहा गया कि कुछ बिंदु हैं जो आगामी बोर्ड बैठक में रखे जाएंगे, देखते हैं उसमें चेयरमैन की सहमति है या नहीं। सहमत ना होने पर सभासदों ने कहा कि बोर्ड बैठक का बहिष्कार करेंगे और बताया कि बोर्ड बैठक में चेयरमैन और सभासद ही बैठेंगे। यदि वहां चेयरमैन प्रतिनिधि बैठेंगे तो सभी सभासदों के प्रतिनिधि भी बैठेंगे, नहीं तो अब की बोर्ड बैठक में चेयरमैन प्रतिनिधि भी बैठक से बाहर ही देखेंगे। सेठ अरुण ने बताया कि चोखा बाटी कार्यक्रम के तहत 25 सभासदों में 22 सभासद आए, उन सभी का आभार व्यक्त किया। 3 लोग बाहर होने के कारण नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने फोन करके कहा कि हम सब आपके साथ हैं। अरुण ने कहा कि ये लड़ाई मेरी नहीं है, हम सभी सभासदों की है। हम सबको एकजुट होकर अपने हक की लड़ाई एक साथ लड़नी ही होगी, तभी हम सफल होंगे और अपने वार्ड में विकास कार्य करा पाएंगे। मौके पर सभासद प्रतिनिधि सेठ अरुण गुप्ता, पिंटू यज्ञसेनी, शादाब लड्डन, अशोक वर्मा, मुन्ना बउउल्ला, मुन्ना हीना, रज्जन सभासद, विनीत गुप्ता, तैयब, शानू सिंह, विनोद कुमार, मानसिंह, चांद मियां, आलिम कट्टन, आबिद रजा, नसीर अच्छन अली, अतीक अंसारी, बलील मटरे, पालिका स्टाफ, पत्रकार बंधु, लेखपाल, पुलिस प्रशासन सहित सभी लोगों ने चोखा बाटी का आनंद लेकर मौजूद रहे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खबर यूपी तक न्यूज नेटवर्क।